Hello brothers and sisters, आज present continuous तथा past continuous की जानकारी दी जाएगी। present continuous की पहचान रहा है, रही है, सो होती है, और इसका रूल subject plus EMR plus verb 1 plus ing। उदाहरण के तौर पे वह पढ़ रहा है, he is reading, वह आ रहा है, he is coming, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, वे लोग सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग एट्सेट्रा। इसकी परिभाषा है, इट्स शोज समथिंग कंटिन्यूज नॉट कंप्लीटेड, यह बताता है कि कोई काम जारी है, पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी से होती है। इसका रूल सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। जैसे वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, वे लोग आ रहे थे, दे वेयर कमिंग। इट शो समथिंग कंटिन्यूज नॉट कंप्लीटेड इन द पास्ट, यह बताता है कि भूतकाल में कोई काम जारी था, पूरा नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, हमें अब अच्छी जानकारी हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस था पास्ट कंटिन्यूअस की। लेट्स गो टू पैसेज विथ ब्यूटीफुल वर्ड्स। ये सभी शब्द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के शब्द हैं जो आए दिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, ही इज वर्किंग हियर विदाउट टेम्पटेशन, वह यहाँ बिना टेम्पटेशन यानी बिना लालच के काम कर रहा है। While your brother works here as an avaricious, जबकि तुम्हारा भाई एक avaricious के रूप में काम करता है। Avaricious is that who is desirous of getting money, avaricious उसे कहते हैं जिसकी हमेशा पैसा पाने की इच्छा होती है, जिसमें हमेशा लालच की भावना होती है। तो दोस्तों, इस पैसेज में मैंने ऊपर बताए गए रूल्स की कहाँ चर्चा की, खुद पता करें। इस पैसेज में मैंने दो शब्दों की जानकारी हासिल की, टेम्पटेशन मीन्स लालच तथा अवरिशस, अवरिशस मीन्स अ पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी और मटेरियल्स, यानी वह व्यक्ति जो हमेशा पैसे की लालच में रहता है, उसे हम अवरिशस कहते हैं। नाउ लेट्स गो टू अनदर पैसेज। ही विद हिज फोर फ्रेंड्स इज गोइंग टू एवियरी, वह अपने चार दोस्तों के साथ एवियरी जा रहा है। एवियरी इज द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी उस स्थान को कहते हैं जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है, चिड़ियाघर, चिड़िया को जहाँ रखा जाता है उसे हम एवियरी के रूप में जानते हैं। तो ही विद हिज फोर फ्रेंड्स इज गोइंग टू एवियरी, एवियरी इज द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी वह स्थान होता है जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है। तो दोस्तों, इस पैसेज में मैंने ऊपर बताए गए किस टेंस का इस्तेमाल किया, खुद पता करें। लेट्स गो टू थर्ड पैसेज। ही इज ईटिंग मोर इटेबल्स, वह ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों को खा रहा है नाउ इट इज़ आजकल, येट ही इज मेल कंटेंट, फिर भी उसे संतोष नहीं है। मेल कंटेंट मतलब असंतोष ही, जिसे संतोष नहीं हो। Malcontents are those who are always dissatisfied. Malcontents उसे कहते हैं जो हमेशा dissatisfied यानी असंतुष्ट होते हैं, कितना भी मिल जाए लेकिन उन्हें संतोष नहीं। दोस्तों, इसमें भी मैंने कहा ऊपर बताए गए टेंस की चर्चा की, खुद पता करें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, महान व्यक्तियों ने उत्कृष्ट चिंतन, उन्नत योजना क्षमता, संतोष, संवेदनशीलता एवं सभी को साथ लेकर चलने की जो नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है वह काफ़ी प्रासंगिक है। इनमें संतोष अद्वितीय है, इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।